एक ना मसाज सेंटर है वहाँ पे आया हूँ, साथ में क्लब और बार वाला सीन भी है। वी विल गो थ्रू बोडा बोडा। यार क्या है यार ये बिहेवियर, अभी वो बोल रही है घंटे का रेंट दो वरना मैं ताला नहीं खोला, अभी तक उसने ताला नहीं खोला, मेन गेट को ताले लगे हुए हैं। तो गाइज अब फाइनली हम लोग यहाँ से, इमिग्रेशन हमारा हो गया, अभी एक घंटे बाद हमारी फ्लाइट होगी। गजब की गर्मी है नाजरीन यहाँ पे, मैं अपने अबाई इलाके मिंजराबाद में आ गया हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैं इस समय मौजूद हूं जी कंपाला में, ये कंपाला का डाउन टाउन है, इसको बेसिकली बोलते हैं। ये मेरे बैक साइड पे आप सारी लंडा मार्केट देख सकते हैं, जिस तरह हमारे पंजाब में पठानों की लगी होती है। यहाँ पे साथ में एक डेरा रेस्टोरेंट है जो कि पाकिस्तानी एक गिलगत से भाई है उनका है, काफी मशहूर रेस्टोरेंट है। तो आज उसी तरफ जाने लगे हैं, ठीक है भाई, ताकि थोड़ा हल्का फुल्का नाश्ता कर लें और उसके बाद हम लोग यहाँ से इंतबे की तरफ निकलने वाले हैं। इंतबे जो है ना भाई, वो इनका वो विक्टोरिया लेक के साइड पे भी आ जाता है, यहाँ से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है, लेकिन घंटा या डेढ़ लग जाएगा वहाँ पे पहुँचने में। और दूसरी बात मैं आपको बता दूँ कि इंतबे जो है ना वो इनका इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, बेसिकली जो एयरपोर्ट ये कंपाला का वो यूज़ नहीं करते ये इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए, मेन जो इंतबे का वही यूज़ होता है यहाँ पे। तो नाज़रीन डेरा रेस्टोरेंट पे हम आ गए और ये देखिए हमने आज काफ़ी दिनों बाद पाकिस्तानी जो दाल है ना वो मंगवाई है और उसके साथ तंदूर वाली रोटी, नहीं तंदूर उनका आज बंद है लेकिन ये रोटी उन्होंने यहाँ पे दी और देखें यार बिल्कुल छोटी सी रोटी है यार, अभी इसी से गुजारा करना पड़ेगा जी। खाना खा के हम फाइनली यहाँ पे आ गए जी, यहाँ से इंतबे के लिए हमें गाड़ी लेनी होगी, ये टैक्सी खड़ी है, तो पता करते हैं कि इंतबे की गाड़ी कहाँ से मिलेगी। और वहाँ तो गो इंतबे 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 यार गाइस, यहाँ से मैंने पूछा तो वो कहते हैं आपको टैक्सी पार्क जाना पड़ेगा, वहाँ से इंतबे के लिए गाड़ी मिलेगी, यहाँ से नहीं मिल सकती, अभी उधर ही जाते हैं। ओह मैन, नो कमला है और रहन दे भाई, ये कोस्टर है भाई यहाँ पे, और यहाँ से इसको टैक्सी पार्क भी बोलते हैं ना, काफी बड़ा ये टैक्सी का स्टॉप है, तो यहाँ से हम इंतबे के लिए गाड़ी पकड़ेंगे। ये आपको तीन स्टॉप मिल जाएंगे, यहाँ विच साइड नो आई डोंट नीड, ये बोल रहा है अगर मुझे 2000 रुपए दो तो मैं आपको रास्ता बताऊंगा, अदरवाइज मैं रास्ता ही नहीं बताता। ये देखिए जी सामने ओल्ड टैक्सी पार्क आ गया और ये आपको सारी कोस्टर्स यहाँ पे खड़ी मिल जाएंगी, यहाँ पे इस तरह की कोचिज को टैक्सी पार्क बोलते हैं, टैक्सी बोलते हैं टैक्सी पार्क ने, और यहाँ पे स्टॉप करती है जो इनका स्टेशन होता है उसको पार्क बोलते हैं, और इस तरफ ये सारी मार्केट्स रही। यार यहाँ पे अपना सामान भी रखते हैं। फाइनली हम गाड़ी में बैठ गए, इंतबे की हमें सीट मिल गई है, लेकिन ये वाली सीट मिली है यार जिस पे बैठ के जाते हैं, और 6000 ये ले रहा है, 1000 इसने बैग का चार्ज किया और 5000 हमारा चार्ज किया। ये जी फाइनली हम लोग पहुंच आए हैं इंतबे मेन टाउन में, सिटी है छोटा सा, बेसिकली सब सिटी जिसको बोलते हैं ना, तो ये 25 किलोमीटर दूर था, ज्यादा टाइम नहीं लगा यहाँ पे पहुंचने। अब यहाँ पे गेस्ट हाउस को ढूंढते हैं और स्टे करते हैं भाई जाके, यहाँ सर को बहुत ज्यादा पेन हो रखी है भाई। ये एक होटल के रिसेप्शन में आ गए, यहाँ पे एक होटल नहीं मोटल इसको बोलते हैं, पता नहीं ये मोटल क्या चीज है मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी इसका रूम चेक करें अगर पसंद आया तो उसमें इंशाल्लाह स्टे करें। यार वो 1.5 लाख शिलिंग का एक कमरा मिल रहा था, अराउंड $50, वो थोड़ा महंगा था यार, इसलिए सोचा कोई और देख लेते हैं। यार अभी बैग जो मैंने रख दिया एक होटल में रिसेप्शन पे और खुद पैदल जाके होटल का पता करने जा रहा हूँ भाई। बोडा बोडा वाले इनके साथ हम जा रहे हैं, हुआ ये तक पहले गाड़ी वाला मिला उसके साथ दो लड़कियां भी थी, उन्होंने भी ड्रिंक कर रखी थी, वो पीछे गए अपार्टमेंट था भाई, वो था तो बड़ा कमाल का लेकिन भाई बहुत एक्सपेंसिव था, $100 मांग रहे थे एक रात का, तो बेहतर है इन पे बैठ के 80,000 शिलिंग में वो एक मिल रहा है वही जाके देख। अरे मजबूरी का पता कैसे फायदा उठा रहे हैं, जिसने मुझे जगह दिखाई है ना उसका अपनी एड्रेस नहीं बता रहा, ये मुझे गया यहाँ से लेके वापस ले आया 2000 में, अब मुझे बोलता कि दोबारा लेके जाऊंगा वापस ले आऊंगा तो मैं आपसे चार्ज करूंगा जनाब 7000। मैंने बोला लगेज लेके जाते हैं, तो सिर्फ मजबूरी का फायदा ही उठा रहे हैं, इस बंदे को एड्रेस का पता है। देखो यार ये जी हमारा रूम है, मैं आपको दिखा देता हूँ इंटीरियर साइड, ये देखें यहाँ पे रूम है भाई, ये एक रूम है भाई, सिंगल बेड और साथ में इसके डबल बेड भी है। ये मिला जी 80,000 शिलिंग में, $25 बनता है पाकिस्तानी 7-8 हज़ार। सर अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग भाई, सुबह सुबह का आगाज़ कुछ अच्छा नहीं हुआ। यहाँ पे ये होटल है जहाँ पे हमने रात स्टे किया था, तो भाई जो यहाँ की जो ओपनर है ना उसका बहुत ही अनकोऑपरेटिव बिहेवियर है, उस बीबी ने सुबह सुबह आके उठा लिया कि हमें अगले दिन का भी आप दो रेंट, तो मैंने कहा बीबी इस दिन का दिया हुआ है, अभी तक 12 बजे चेकआउट टाइम होता है, मेहरबानी करो बैंक खुलते खुलवा के दे देंगे,
कहती नहीं मुझे अभी चाहिए। मैंने कहा अभी चलो ठीक है, अगर अभी चाहिए ना तो फिर ले लो। मैंने भी अपना बैग उठा लिया, शॉर्ट्स पहने हुए हैं, कपड़े भी नहीं पहने, लेकिन बैग उठा और मैंने बोला मैं जा रहा हूँ, जाओ करना है जो कर लो। यार क्या है यार ये बिहेवियर। अभी वो बोल रही है घंटे का रेंट दो वरना मैं ताला नहीं खोला। अभी तक उसने ताला नहीं खोला, मेन गेट को ताले लगे हुए हैं। पूरे युगांडा अफ्रीका में ये वायद मेरा अजीबोगरीब एक्सपीरियंस है इस बीबी वाला। अजीब बात है यार, इन लोगों के बारे में ऐसा कहना नहीं चाहता, लेकिन क्या बात हुई कि आप सुबह सुबह आके दरवाजा खटखटाने लग जाओ और बोलो निकलो यहाँ से, नहीं तो अगले दिन का भी रेंट दो। क्या अजीब लोग हैं यार ये। कोऑपरेट तो करना बनता है ना। चलो मान लिया कि इनको रेंट हम दे रहे हैं, हम भी भाग नहीं रहे। I'm so sorry from my side, but this is not a cooperative behavior. Sorry to say. I'm also sorry. Okay, no problem. No problem. No problem. No problem. No problem. एक चीज आप देखें, ये जो सिटी है ना, इन तभी आपको काफी नीट एंड क्लीन मिलेगा। यानी बाकी के युगांडा से ये थोड़ा सा नीट एंड क्लीन भी है, एडवांस भी है, रोड भी यहाँ पे अच्छे बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इसलिए। Do you have any room here? Do you have any room? Yeah. Yeah. May I see? I want to see. Baga room. It's a. यहाँ पे पीछे एक रूम है भाई। तो नाज़रीन जो रूम था वो फाइनली पसंद नहीं आया, अभी एक और देख रहे चले हैं। बेसिकली वो क्लब वाला रूम है, तो इसलिए भाई माहौल पसंद नहीं आया। सारा क्लब शराब ड्रिंक श्रिंक वो वाला सीन है इधर। How much? 1000 each. No, no, no. 1000. 1K Victoria. ना जाओ नहीं जाना। खैर सानू कड़ी मजबूरी है, अल्लाह ने सानू पाँव दिते, असीं तुर के चल जाएंगे। एक ना मसाज सेंटर है वहाँ पे आया हूँ, साथ में क्लब और बार वाला सीन भी है। यार यहाँ पे कोई ठीक अच्छा रेस्टोरेंट भी नहीं है, अच्छा होटल भी नहीं है, और ना ही गेस्ट हाउस मिल रहा है। यही है अभी, पता नहीं यहाँ पे वाईफाई भी नहीं, गुजारा ही करना पड़ेगा। अब क्या बनता है क्या नहीं देखते हैं भाई, और ये भी नहीं पता कि रूम कितने में मिल रहा है। ओके आई विल टेक्स्ट यू। ओके थैंक यू। यहाँ पे ना हर बंदे को सिर्फ लूटने से मतलब है। पाकिस्तान में फॉरनर है उसकी कितनी इज्जत की जाती है। यहाँ पे होटल में जाओ $100 एक रूम का एक रात का मांग रहे हैं, गंदा किसी काम का कमरा नहीं। बूढ़ा बूढ़ा वाले को बोला है सिर्फ 3 किलोमीटर के लिए 15,000 शिलिंग मांग रहा है यार, 3 किलोमीटर के लिए। You really love Pakistani rice. I will send you Pakistani rice. Okay? I'll be happy. Thank you. अभी ये एक बीबी है जी हमारे साथ जा रही, जो हमें कमरा दिखाएगी। आई होप कि हमें मिल जाए सही आज। So you are not married yet? So how old your baby is? It's 7 years now. 7 year old? Oh, baby girl or baby boy? Baby boy. Okay. He's going to school? We will go through Boda Boda. No, it's just over the distance. Okay, let's go. Let's go. Okay, thank you so much. I'll contact you. Nice to meet you. एक बेबी सामने जा रही है, इतने होटल देखे भाई, 200 यानी $70 $80 में मिल रहे थे। तो मैंने कहा थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, चलो $40-50 तक मिल जाए तो गुजारा हो जाएगा। अब ये बीबी बोल रही कि मैं आपके साथ जाती हूँ, आपको ढूंढ दूंगी $30-40 या $50 में मिल जाएगा। बड़ी आ रही हुई है भाई, बहुत जरूरी हुए हम लोग आज। आई लव इट यू हाउ यू ट्रीट मी, यू रियली मेड माई डे, थैंक यू सो मच। भाई एक रूम मिल गया तकरीबन $80 में पड़ा है, एक्सपेंसिव तो है, लेकिन क्या करें, अभी खाने का कुछ करते हैं। उन्होंने कहा मेंटेन करते हैं, आप वेट करो थोड़ा इधर। फाइनली गाइस ये वाला जो है रूम मिल गया, उसके साथ ये टॉयलेट वॉशरूम का। अभी बाहर खाने के लिए जाते हैं कुछ। यहाँ पे गाइस ना इनके पास डबल कीज होती हैं, तो आपने अपना जो सामान है ना वो कीमती सामान अपने साथ लेके जाना है। इस तरह यहाँ पे रखने का रिस्क बिल्कुल नहीं लेना, पर जो आपकी करेंसी है ना वो तो बिल्कुल आप अपने साथ लेके जाएं। अब यार कुछ खाने का करते हैं, बहुत हालत ख़राब होगी, सर को पेन भी, इस तरह का सीन हो रखा है। तो गाइस ये एक इंडियन रेस्टोरेंट है, काफ़ी बड़ा है। इंडियन पाकिस्तानी थाई नेपाली सब यहाँ पे आपको खाने मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात यह कि यहाँ पे जो शेफ़ है ना भाई वो इंडियन भाई हैं। अभी यहाँ पे ऑर्डर करने लगे, आपको पता लिटिल बिट एक्सपेंसिव तो होगा। यहाँ पे एक बंदे का $10-15 एक बंदे का खाना, एक वो जो सालन है वो उसका मैंने प्राइस देखी ना
तो अराउंड 60-70 डॉलर में आप खाना खा सकते हो यहाँ पे स्पून से। तो अभी खाना ऑर्डर किया, मटन ऑर्डर किया था, तो फिर मैं आपको दिखा ये देखें नाज़रीन हमारा मटन आ गया जी। नीचे अगरबत्ती नहीं होती जी, मोमबत्ती बल्कि वो है। ये साथ में सैलेड है जी और ये रोटी रही जी तंदूर वाली, जो कि दिखने में तो माशाल्लाह बहुत बढ़िया लग रही है, लेकिन जब बिल आएगा तब पता चलेगा। अभी खाना इंजॉय करते बाद में बताते हैं कैसा था। तो फाइनली नाज़रीन हम लोग ने खाना खा लिया और पानी की जो एक बोतल है ना, ये 500 रुपये पाकिस्तानी की मिली, इतनी महंगाई है। और जो हमारा बिल बना ना वो तकरीबन 30 डॉलर बना है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग। आज का ये व्लॉग मेरी ज़िंदगी का सबसे लंबा तरीन होने वाला है, ड्यूरेशन वाइज नहीं बल्कि जर्नी वाइज। आज मैं यहाँ से इंतबे जो कि सिटी है जनाब युगांडा का, यहाँ से सफ़र करने वाला हूँ अपने गाँव तहसील मिंचनाबाद। नहीं वो गांव तो नहीं, खैर सिटी है लेकिन गांव नुमा सिटी समझ ले। तो आपको पता बेसिकली मैं आबाई इलाके का ही रहने वाला हूँ अपना पंजाब का। तो अभी ये मेन रोड रहा है जी और इस तरफ हमारा एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसको बोलते हैं इंतबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कंपाला जो एयरपोर्ट है उसको तो ये यूज़ नहीं करते, वो इंटरनेशनली यूज़ नहीं होता, बल्कि ये जो इंतबे है जो है कंपाला से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर है ये यूज़ किया जाता है, जो यहाँ से तकरीबन 7-9 किलोमीटर दूर है। तो या तो टैक्सी पकड़ेंगे या बोटा बोटा ले। या आज हमारी 11 बजे की यहाँ से फ्लाइट है दुबई और दुबई से फिर आगे मुल्तान। इंशाल्लाह रात 2 बजे हम मुल्तान पहुँचेंगे, वहाँ से फिर गाड़ी पकड़ के सीधा गांव तक ये व्लॉग जाएगा। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखिएगा यार, मज़ा आएगा। पता नहीं क्यों पर मैं चाहता हूँ कि आप आखिर तक देखें। तो ये सुबह सुबह का टाइम है, दुकानें मेरा खुल रही हैं। आप ये देखें फोर्सेज वाले अपने गन शन उठा के भाई अपनी ड्यूटियों पर जा रहे हैं, जहाँ पे आपको फोर्स बहुत ज्यादा मिलेगी। यहाँ पे इनकी AFC भी है, एक फ्रंटियर कॉप्स भी है। ये एक साइकिल पे जा रहा है फोर्स वाला भाई, उसने गन लटकाई हुई है, पुलिस वाला ये। तो ये देखें यहाँ के पुलिस वाले ऐसे हैं भाई, अच्छे भी हैं, बहुत अच्छे हैं। अभी टाइम हुआ है तकरीबन 6:10 बाकी है, तो फजर की नमाज से आगाज किया। आप फजर की नमाज पढ़ के ही जिस काम का आगाज करना हो उसका कीजिएगा। तो अभी बोडा बोडा वाले से बात करते हैं अगर ये एयरपोर्ट की तरफ जाए। हाँ तो गो एयरपोर्ट या नो प्रॉब्लम। You will go? Yep. How much you will charge? 5,000. Huh? 5,000? No. Yeah, 5,000. बोडा जो है वो यहाँ से 5,000 शिलिंग चार्ज कर रहा है भाई, तो वो तो बिल्कुल ठीक है। इस व्लॉग में जाते हुए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मुझे मेरा यहाँ जाने से दिल नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने अफगानिस्तान के व्लॉग में ये बात मैंने कही थी आखिरी में, और फिर तालिबान ने मुझे वहीं पकड़ के 2 महीने बिठा लिया। तो ये तो मैं नहीं कहता, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जाने के बाद इन लोगों की याद ज़रूर आएगी। कुछ यादें अच्छी रहेंगी और कुछ बुरी रहेंगी, लेकिन ज़्यादातर यादें अच्छी ही होंगी। इंतबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा जी, हम एयरपोर्ट के अंदर आ गए जी। इर्द गिर्द काफी सिक्योरिटी थी, पीछे सामान चेक भी हुआ है। कि जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है इंतबे का, यहाँ पे हम आए अभी सामान की चेकिंग करवाएंगे, स्कैनिंग होगी और उसके बाद आगे जाएंगे। एयरपोर्ट के अंदर आ गए इंतबे, ये सारा ड्यूटी फ्री एरिया है और यहाँ पे आपको ये सारी शराब मिल जाएंगी। यहाँ पे इंडियंस काम कर रहे हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा, इस तरफ भी ये ड्यूटी फ्री एरिया सारा। हमारी सारी चेकिंग वगैरह सब कुछ हो गया, बोर्डिंग भी हो गया भाई। कोई सवाल जवाब नहीं किया, हाल बता। पासपोर्ट लेके वो कुछ देर देखती रही, फिर उसने अपने साथ वाले साथी को दिया, उसने पासपोर्ट चेक किया, फिर स्टैंप लगा दी। 2 की लग गई, एक बंदे को उन्होंने रोक लिया, पता नहीं उसका क्या सीन है, क्यों रोक लिया। भैया लोगों को देखो एवं लाइन में लगने वाले के 2 घंटे यहाँ पे और लगेंगे। हिंदी किधर से सीखा है? थोड़ा थोड़ा आता है। चले अच्छी बात है। मैं पाकिस्तान से, मेरा नाम शब्बीर अहमद है। हाँ जी, आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई यार। ये मैं आपको एक चीज दिखाऊं, जिस तरह नो डोंट वरी आई विल फिल मैन, डोंट वरी आई विल फिल इनसाइड, देयर इज वाटर अवेलेबल, नो वाटर। ओ तो यहां पे भी जनाब आप देखें, ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच मैन, यू आर सो पेशेंट, थैंक यू सो मच ब्रो, दिस इज फॉर यू, नाइस टू मीट यू मैन, थैंक यू सो मच, आई लव इट मैन। देखिए मुसलमान भाई का कितना अच्छा रवैया। मेरे पास भी 5,000 शिलिंग बचे हुए थे, मैंने उसको दे दिए, मैंने कहा ये लो यार तुम खुश हो जाओ। यार ये मुस्लिम कंट्रीज में सिर्फ वो लगा होती टूटी वगैरह, बाकी यहाँ पे सिर्फ टिश्यू पेपर ही होते हैं, तो पानी की बोतल साथ लेके जाना पड़ता है। एक्चुअली आई एम अ व्लॉगर यूट्यूबर, यू नो आई एम अ यूट्यूबर। तो गाइज अब फाइनली हम लोग यहाँ से, इमिग्रेशन हमारा हो गया, सब कुछ हो गया, चेक इन भी हो गई। अभी इस लाइन में खड़े हुए थे तो उन्होंने स्टैंप लगा दी है, अभी 1 घंटे बाद हमारी फ्लाइट होगी। इतना बड़ा एयरपोर्ट नहीं है लेकिन काफ़ी कुशादा है, खुला है सीन, लेकिन छोटा सा है, मुल्तान एयरपोर्ट की तरह ही है। हमारा लाहौर वाला तो फिर भी इससे बड़ा ही होगा। तो ये ड्यूटी फ्री एरिया भी है जिसमें शराब शुरू पी जाती है। यहाँ पे 7 लोग बैठे हुए हैं और ये मेरे साथ एक बीवी बैठी हुई है,
ये बोल रही थी कि तुम ना इंडिया से लग रहे हो, तो मैंने कहा नहीं मैं इंडिया से नहीं, मैं पाकिस्तान से ही हूँ, लेकिन वो मेरा फेस स्ट्रक्चर और जो एहलिया बोलती वो इंडियन की तरह है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इंडियन आपको मिलेंगे, पाकिस्तानी बहुत कम दिखाई देगा। वो सामने गाड़ी रही, अब इस गाड़ी में बैठेंगे और ये हमें आगे फ्लाई दुबई के लिए टेक करेगी। दिस इज एयरपोर्ट इन तबे, नीट एंड क्लीन एयरपोर्ट बना रखा भाई इन्होंने, चेक करो ये फ्लाई दुबई रही, ये हमारी सामने फ्लाइट रही है फ्लाई दुबई की, और 6 घंटे की हमारी जर्नी है भाई, ये सबसे लंबी तरीन जर्नी मेरी जिंदगी की जो आज हम करने वाले हैं भाई, चेक करेंगे। वाह यार व्हाट अ व्यू, आप यकीन करें हम लोग लेट हो रहे थे, वो भी बोल रहे हैं जल्दी करो जल्दी करो, अभी बैग रखने के लिए जगह भी मुश्किल से मिलेगी। तो फाइनली जी जहाज के सामने आ गए, अभी यहाँ पे बैग रखते हैं अपना और इंटीरियर साइड में दाखिल होते हैं। अभी यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि लास्ट मिनट है लीव करने वाले, जल्दी बैठो, तो हमारी सीट है जनाब 30B, ये 30 रही और मेरी बी है दरमियान वाली है यार, ठीक है जी मेरी 30B सीट है, मैं उस पर आ गया हूँ जी, अभी सारे लोग ऊपर सामान वगैरह रख रहे, हमने भी रख दिया जी, और ये साइड व्यू रहा भाई, अभी यहाँ से थोड़ी देर में ये कुछ तकरीबन 5 मिनट में ये करेगा टेक ऑफ, और माशाल्लाह LCD भी लगी हुई भाई ज़बरदस्त का, वाह काश हैंड फ्री मिल जाए भाई तो मज़ा आ जाएगा। अभी मेरे साथ एक बेबी की सीट है, कोई नहीं आज टाइम अच्छा गुजरेगा, ये चला ही रखेंगे सारे रास्ते। Well, we're fully ready and should be on our way in about 4 to 5 minutes now, once you close all the doors. Looking at a taxi of about 8 to 10 minutes before we get airborne in 5.5 hours. भी टेक ऑफ करने वाले हैं, लेकिन आज की फ्लाइट में इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो एयरपोर्ट है इसके बिल्कुल साथ लेक विक्टोरिया है, यहाँ से वाजे उसका व्यू नज़र आ रहा है, और ये जो रनवे है ना वो लेक विक्टोरिया के बिल्कुल किनारे पे है, अंदाज़ा लगाएं। ये देखिए जी हमारा स्टैंडर्ड खाना आ गया है जी, ये वेजिटेबल राइस है उसके साथ ब्रेड, आज पहली दफ़ा जो एयरलाइन में ना ये देखिए स्टील के चम्मच और ये नाइफ मिल रहा है, आज पहली दफ़ा देखा है, वरना प्लास्टिक के ही मिलते हैं, वो अभी डिस्पोजेबल होते हैं शायद। अभी जी फाइनली हम दुबई पहुंचने वाले हैं, तकरीबन 5 मिनट में लैंड हो रहे हैं, बल्कि दुबई के ऊपर ही हैं बस लैंड करने वाले हैं, और यहाँ से हमारी 1453 मीटर का अल्टीट्यूड है हमारा, बाहर 30 सेंटीग्रेड ग्रेड टेम्परेचर है जी, और 40 किलोमीटर दूर है डिस्टेंस है एयरपोर्ट से, हमारी स्पीड जो है वो तकरीबन 450 किलो, मेरे ख्याल 4 घंटे का हमारा स्टे है यहाँ पे, 4 घंटे के बाद हमारी मुल्तान की यहाँ से फ्लाइट होगी इंशाल्लाह। अभी जहाज़ यहाँ पर लैंड कर गया, लेकिन इन लोगों को इतनी जल्दी है ना भाई, रुकने वाले नहीं, सारे उठ गए हैं, पाकिस्तानियों से काला तो कोई पैदा ही नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हम बैठे हैं सुकून से यहाँ। देखें जी अभी हम यहाँ से सारे लोग निकल गए और अब हम जा रहे हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अब गाड़ी के अंदर आ गए हैं जी, बाहर तो इतनी शदीद धूप है ना भाई क्या बताऊँ, बहुत हैवी गर्मी है भाई बाहर फुल दुबई वाले, लेकिन अब अंदर काम ठीक है। गजब की गर्मी है नाज़रीन यहाँ पे, पूरे अफ्रीका में इतनी गर्मी फील नहीं जितनी यहाँ पे हो रही है, लेकिन अभी एसी में आ जाएंगे, ये देखो जी एसी आ गया, अल्लाह क्या बात है भाई, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट मजे। ये $50 का नोट है जी, और ये बिग बॉक्स मेल जो है ये वाला लेने लगे हैं जी, एक्सपेंसिव होता है भाई, लेकिन क्या करें खाना तो एयरपोर्ट के अंदर तो आपको पता है भाई, सही छेल लाने जो मैं लाने दाक होता है। फाइनल कॉल हो रही थी भाई फ्लाइट दुबई की, हम पे चढ़ के बैठने लगे जी, हम फ्लाइट के पास आ गए मुल्तान जाने के लिए, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, जैसे गेट खुलता है इंशाल्लाह फ्लाइट के अंदर चले जाएंगे, सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, अभी यहाँ से फ्लाइट के अंदर जा रहे हैं जी, ये पायलट भाई रहे सामने बैठे हुए हैं यार। गाइस सबसे अच्छी बात बताऊँ, यहाँ पे फ्लाइट में बैठते हुए भी लोग पहचान रहे थे यार मुझे, लेकिन वो फैमिलीज थी, मैंने वीडियोस नहीं बनाई, लेकिन दिल को बहुत खुशी हो रही यार, ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अफ्रीका के बाद इतना प्यार मिलेगा लोगों का यार, दिल खुश हो गया भाई।
Rafael Fernandez said together tanker members would like to Neel ji jahaz hamara wapas mud raha runway pe jane ke liye runway pe jaake seedha speed marega inshallah 2.5 ghante ki hamari total flight hai pakistani time 2 baje hum inshallah wahan pe pahunch jayenge ji आपने देखा होगा जब हम इंतबे से इधर आए थे ना तो उसकी सीटें बहुत अच्छी थी लेकिन ये देखो पाकिस्तानी किस्मत खराब है हमारी हमें यार ये टूटी फूटी फ्लाइटें दी जाती हैं जिसके ऊपर हम सफर करते हैं उसके ऊपर बकायदा एलसीडी लगी थी सीटें बड़ी नरम और कमाल की थी लेकिन यहाँ पे सीटें उतनी अच्छी नहीं थी फाइनली गाइज हम लोग जो है मुल्तान एयरपोर्ट पहुँचने वाले हैं 10 से 15 मिनट में अभी लैंड हो जाएंगे और यकीन करें खुशी बहुत ज़्यादा है कि हम पाकिस्तान आ रहे हैं अपने मुल्क जाने की खुशी बखरी है यार मुझे से एक महीना 5 दिन हमने गुजारे ना कालों के साथ तो अपने मुल्क की इज्जत कदर और वैल्यू जो है ना अपने लोगों की बहुत ज़्यादा बढ़ गई है दिल में यार ये सीट बेल्ट वगैरह बांध ली और बड़ी खुशी है कि हम पाकिस्तान पहुँच रहे हैं फाइनली हम एयरक्राफ्ट से बाहर निकल रहे हैं जी मुल्तान एयरपोर्ट पर अभी पाकिस्तान में कदम रखने वाले हैं जी फाइनली जी इमिग्रेशन हो गया कोई सवाल जवाब नहीं कोई मसला नहीं बस पासपोर्ट पकड़ा स्टैंप लगा के हमें दे दी उन्होंने और यहाँ पे सामान का वेट कर रहे हैं बस वो आता है तो अभी यहाँ से लेते हैं यार देखो यार हर किसी को लेने के लिए यहाँ पे लोग आए हुए लेकिन बदकिस्मती से हमें लेने वाला कोई नहीं आया कैसे भाई ठीक है खैरियत से साउथ अफ्रीका 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 से यार रिसेंटली आपको व्लॉग देख के आया हूं अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छा व्लॉग करते हो यार बहुत शुक्रिया यार आप लोगों का तो प्यार हमेशा रहा आप लोगों के प्यार की वजह से तो यहाँ पे शुक्रिया यार आपने वो कहते ना बोली होगी बहुत शुक्रिया यार मुझे बहुत बहुत मेहरबानी जजाकल्ला भाई चले शुक्र है यार कोई बंदा तो मिल गया एयरपोर्ट पे जिसने कहा कि हम आपको पहचानते चलो खैर है यार हम लोग भी पहुंच ही जाएंगे अभी यहाँ से कोई पकड़ते हैं और एक बिहाड़ी चौक नाम की जगह है वहाँ जाते हैं और वहाँ से फिर इंशाल्लाह आगे बस यही जर्नी थी हमारी अभी घर तक जाएंगे ना पूरा व्लॉग देखिए यहाँ पे थोड़ा छोड़ना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए भाई अस्सलामुअलैकुम कैसे भाई खैरियत से ठीक है आगे वापस हाँ भी आए अफगानिस्तान और इधर अफ्रीका से अफ्रीका से कोई फसाई भी है या नहीं अल्लाह माफ करे यार ये क्या पूछ लिया हमने तो हमें तो कैसे मार मार के मर गई है अल्लाह माफ करे मैंने कहा आप लेके घूम रहे थे दो और सब खैरियत अरे फाइन यार बड़ा अच्छा लगा यार बहुत शुक्रिया जी आपसे मिलकर तस्वीर ले लो यार रिक्शा एक हमने ले लिया जी ये व्याड़ी चौक में मुझे उतार देगा वहाँ से मैं गाड़ी पकड़ के फिर तहसील मिंचनाबाद की तरफ जाऊंगा व्लॉग एंड तक जरूर देखिएगा तो गाइज फाइनली मैं जो है ना वो अड्डे पे पहुंच आया हूँ यहाँ पे ये पीछे मेरे गाड़ी खड़ी जो मिंचनाबाद में मुझे उतारेगी सुबह अराउंड 9-10 बजे पहले भी मैं जब ईरान से आता हूँ ईरान तो मैं इसी गाड़ी पे यहाँ से जाता था क्योंकि क्वेटा से मुल्तान और फिर आगे जाता था अभी मैं यहाँ पे आ गया हूँ ये 4 बजे यहाँ से निकलेगा अभी 20 मिनट हुए 3 बज के यानी कोई 40 मिनट इसके बाकी हैं सामान मैंने रख दिया अभी फुल खाली है और ये गाड़ी भी वो वाली है जो उछाल उछाल के बंदे को सॉफ्टवेयर अपडेट कर देती है वो वाली है लोगों को गाड़ियों पर लोग लेने आते हैं यार और वो बड़े खुश होकर जाते हैं कि हम फलां मुल्क से आ रहे इवन कि जो दुबई से भी होके आ रहे थे उनको भी लेने के लिए वहाँ पे आए और हम जैसों को लेने के लिए कोई नहीं आया यार खुद ही अपने बालबोते पे इन बसों पे जाना पड़ता घर क्या करें मिडिल क्लास जो है यार लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का दिल छोटा नहीं करता अल्लाह का बहुत बहुत एहसान है यार अल्लाह का बहुत करम है कोई बात नहीं ये सफ़र का हिस्सा होता है दिल छोटा नहीं करते कभी भी क्या हुआ कोई नहीं लेने आया तो खैर है ना आप लोगों का प्यार तो है ना यार मेरे साथ मैं दिल छोटा नहीं करता मैं अपने आबाई इलाके मिंचनाबाद में आ गया हूँ यार गाइस मैंने अपने छोटे भाई को कॉल की तो है वो आ रहा है लेकिन ना मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ मैं एयरपोर्ट से निकला ना तो मैं थोड़ा खफा था यार ये बेसिकली ये मेरा मिंचनाबाद इलाका है भाई यहाँ से मेरा 10 किलोमीटर दूर घर है बेसिकली मैं गाँव का ही रहने वाला हूँ पेंडू यूँ फुल मैं ना निकला ना जब एयरपोर्ट से ना तो मेरा दिल थोड़ा खफा था यार हर बंदे को लेने आया मुझे कोई लेने नहीं आया तो इस दौरान ना मैं ये बात कैमरे से कर रहा था तो एकदम क्राउड में से 2-3 लोग निकले और कहते यार हम हैं ना आपके लिए हम आपको लेने आए हैं ये हमारी गाड़ी रही हाजिर है चलो मेरे साथ मैंने उसको बोला कि नहीं यार बहुत बहुत शुक्रिया तो वो भाई सब्सक्राइबर था अस्सलाम वालेकुम जी हाँ ठीक आ गया तो यार उस टाइम कसम से दिल खुश हो गया था लेकिन खैर ऑल ओवर जो जर्नी है वो काफ़ी अच्छी रही इसमें ये कि मैं Q&A कर दूंगा अगर आपने कोई सवाल पूछना हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा जो एक्सपेंस है और
मेरा जितना भी खर्चा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। वीजा वगैरह वो सारा मैं इंशाल्लाह वीडियो में कवर कर दूंगा, फ्लाइट वगैरह सारा कुछ मैं कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।